तो फोन ऐसे ही मजाक मजाक में मैंने ये बात बोल दी थी कि मुझे आईफोन चाहिए. आई थॉट लेट्स डू इट, क्या है ट्राई करते हैं. तो जब ये चीज़ करी आई डोंट नो कैसे हुआ क्या हुआ, बट सी आज आईफोन मेरे हाथ में. सो यू कैन सी ये है मेरी स्मार्ट वॉच है. तो ये मैंने कुछ ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, मेरी इंटेंशन सिर्फ आईफोन थी. मैंने अपनी सेकेंड मेरी मैनिफेस्टेशन थी, इंटेंशन थी कि मुझे 1 लाख रुपीज़ चाहिए. वो एक्चुअली 1 लाख नहीं था, वो 5 लाख्स मैनिफेस्ट हुआ और ये भी बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था. मेरे प्यारे दोस्तों, घड़ी, ईयरबड्स, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, 1 लाख रुपये के 5 लाख रुपये जैसे बड़े बड़े गोल कैसे मैनिफेस्ट हुए सिर्फ मिनस्टोन यूज करने से. आइए जानते हैं आज की सक्सेस स्टोरी में. नमस्कार, मैं हूं ऋषभ गौतम, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, मोटिवेशनल स्पीकर. बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की सक्सेस स्टोरी में, जहां हमारे स्टूडेंट प्रेरणा खुद बताएंगी कि उन्होंने जीवन में क्या क्या चीजें मैनिफेस्ट की मिनस्टोन का उपयोग करके. मेरे प्यारे दोस्तों, सक्सेस स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मैं गुजारिश करूंगा कि सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी ऑन करिए. क्यों? क्योंकि ऐसी सक्सेस स्टोरीज की नोटिफिकेशन आपको मिलेंगी, आप वीडियो देखोगे, जिंदगी बेहतर नहीं जिंदगी खूबसूरत बनाने की तरफ एक कदम बढ़ाओगे, वाइब्रेशंस को अलाइन करोगे और जिंदगी बेहतर नहीं खूबसूरत बनाओगे. साथ ही साथ अगर प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में, सॉल्व नहीं हो रही है, इसका इंतजार कर रहे हो, ये रहे हेल्पलाइन नंबर, आज ही कॉल करें, अपनी प्रॉब्लम भेजें, जिंदगी बेहतर नहीं जिंदगी खूबसूरत बनाए. चलिए सुन लेते हैं सक्सेस स्टोरी. ये बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी थी. प्रेरणा जी, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि आपने इतने एफर्ट्स डाल के ये सक्सेस स्टोरी प्रॉपरली शूट की है DSLR का उपयोग करके, ताकि व्यूअर्स को एक व्यूइंग एक्सपीरियंस मिल पाए. लेकिन मुझे ये सक्सेस स्टोरी को काट के थोड़ा सा छोटा करना पड़ा है, क्योंकि सक्सेस स्टोरी बहुत लंबी है. तो ये सक्सेस स्टोरी को काट के मैं बिल्कुल भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता, बल्कि मैं तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने सक्सेस स्टोरी भेजी. आप कमेंट ज़रूर करें, लोगों को मोटिवेट करें, सक्सेस स्टोरियाँ शेयर करते रहें. लेकिन यहाँ मैंने सक्सेस स्टोरी को थोड़ा काट के छोटा किया है, ताकि व्यूअर्स को बात समझ में भी आए, थोड़ी शॉर्ट भी रहे और मोटिवेशन बरकरार रहे. चलिए शुरू करते हैं आज की सक्सेस स्टोरी. ओके, सो सक्सेस स्टोरी स्टार्ट करते हैं. तो मेरी सक्सेस स्टोरी ऐसे है कि मैं एक फाइन आर्ट आर्टिस्ट हूँ, पेंटिंग सिखाती हूँ. तो मैं बैक इन 2018 से मैं ऑफलाइन एज अ आर्ट इंस्ट्रक्टर वर्क कर रही हूँ. और उसके बाद हम सब जानते हैं कैसे पैंडमिक हुआ और क्या क्या सबकी लाइफ में कितना कितना चेंज आया. जब पैंडमिक आया, लॉकडाउन शुरू हुआ, तो कितनी सारी डिफ़िकल्टीज हुई, ऑफलाइन सब बंद हो चुका था. सेम सिचुएशन मेरी थी, मैं एज अ आर्ट इंस्ट्रक्टर वर्क कर रही थी और फिर उसके बाद सब कुछ बंद होने के बाद आई वॉज टोटली हेल्पलेस. कुछ नहीं था करने को और सिर्फ इंटरनेट पे ये सर्च करने के कि हाउ कैन आई अर्न मनी आउट ऑफ माई पैशन. तो फैमिली भी पूरी अगेंस्ट हो चुकी थी जो भी मैं वर्क कर रही हूँ. मैं बस पेंटिंग्स बनाती थी और अपलोड करती थी सोशल मीडिया पे, इसके अलावा मेरे पास कुछ भी ऑप्शन नहीं था. और तो फैमिली से भी सपोर्ट मिलना बंद हो गया. वो भी हर कोई बोलने लगा ट्राई समथिंग एल्स, कुछ और करो, ये वर्क नहीं करता, आर्ट की कोई वैल्यू नहीं है आज की डेट में, कोई पसंद नहीं करता ये चीज़ें, गो फॉर समथिंग, बैंकिंग की प्रिपरेशन करो या गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करो या टीचिंग करो. बट मेरा उन चीज़ों में इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं रहा है कभी से, बहुत पहले से. और मैं हमेशा इस चीज़ में बिलीव करती हूँ कि अगर आप किसी चीज़ को लेके आप पैशनेट हो और वही आपका प्रोफेशन बन जाए, तो इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है. और बट आई नो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट था मेरे लिए आर्ट को प्रोफेशन में बनाना, क्योंकि इतनी नहीं है, इतना मार्केट स्ट्रांग नहीं है आर्ट का या कोचिंग का यहाँ पे, जो कि मुझे मेरा माइंडसेट था कि नहीं होती अर्निंग. बट स्टिल आई वॉज डूइंग समथिंग कि मेरी 7 to 10,000 के बीच में मेरी अर्निंग हो जाती थी. तो आई वॉज रियली डिप्रेस, मैं यही सोचती थी कि कैसे होगा. इस चीज़ को लेके मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहती थी. मैं कितनी बार मैं डिप्रेशन से भी जा चुकी हूँ इस चीज़ से रिलेटेड. और माइंड ऐसे लगता था कि जैसे कि
प्रेशर कुकर होता है जिसमें इतना सा जैसे कि वो कभी भी बर्स्ट हो सकता है, तो इतना इस लेवल का प्रेशर था माइंड में। बट आई डोंट नो, मैं वैसे ऋषभ सर को मैं 2 ईयर्स से फॉलो कर रही हूँ, ऑन एंड ऑफ सर के वीडियोज़ देखती थी, कभी फॉलो किया कभी नहीं किया, बट टच में थी। तो एक दिन मुझे ऐसी एक सक्सेस स्टोरी मिली जो कि मेरे लिए आई ओपनिंग सक्सेस स्टोरी थी, वो थी विक्रम की सक्सेस स्टोरी जो सर ने अपलोड की थी। और पता नहीं उस सक्सेस स्टोरी को सुनने के बाद मैं उससे इतना ज़्यादा कनेक्ट हो पाई और वो मुझे लगा कि ये वीडियो मेरे लिए ही है। मैंने उस वीडियो को एटलीस्ट 50 टाइम तो मैंने उसको देखा ही देखा है, उससे ऊपर ही देखा है मैंने, और हर बार उस स्टोरी को बार बार रिपीटेटिव मोड पे देखने में ऐसा लगता था कि मेरा जो अंदर से जो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हूँ वो चीज़ कहीं ना कहीं ठीक हो रही है, मैं हील हो रही हूँ अंदर से, मुझे एक मोटिवेशन एक होप मिल रही है। तो मैंने उसके बाद जैसे कि सर ने बताया हेल्पलाइन में कॉल करने का, तो मैंने वही किया। मैंने उस सक्सेस स्टोरी को इतनी बार सुना, मैंने एक बार ही में नहीं कॉल किया बट मैंने कॉल किया, और उसके बाद मेरी बात होती है अर्णव सर से। मैंने अर्णव सर को अपनी पूरी स्टोरी एक्सप्लेन करी कि सर ऐसा ऐसा है और मैं काफ़ी स्ट्रगल फाइनेंशियली मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हूँ। और तो उसके बाद सर ने सबसे पहले मुझे इतने अच्छे से इतना रिलैक्स होकर उन्होंने सारी चीज़ें समझाई एक्सप्लेन करी, आई वॉज सो काम। मैं जो अंदर जो मेरे चल रहा था वो सर ने एकदम शांत कर दिया था उस चीज़ को, तो मैं वहीं पे बहुत ज़्यादा लाइट वेट फील कर रही थी अंदर से, ऐसा लग रहा था किसी ने जैसे एक पहाड़ मेरे सर से हटा दिया होगा, तो मैं अंदर से इतना लाइट फील कर रही थी, मेरा हेड भी मुझको बहुत लाइट फील हो रहा था। तो वो दिन है और आज का दिन है, मैं कंटिन्यूसली मैं स्माइल करती रहती हूँ। ऑब्वियसली वी आर ह्यूमन बींग्स, थोड़ा बहुत अप एंड डाउन होता है, बट राइट नाउ आई नो हाउ टू स्विच माई सिचुएशन। तो ये इतनी जल्दी होता है और ये सब तभी मिरेकल हो पाया जब ऋषभ सर और अर्णव सर आप मेरी लाइफ में आए हो। आपने लाइफ को इतना मैजिकल बना दिया, मैं नॉन स्टॉप बोल सकती हूँ इस चीज़ के ऊपर 1-2 घंटे तक शायद, बट क्योंकि सक्सेस स्टोरी थोड़ा छोटा करेंगे तो बात ऐसी है कि जब सर ने मुझे एक्सप्लेन करा अर्णव सर ने कि आपको क्या क्या रिचुअल फॉलो करने होंगे, और मेरी सिचुएशन के अकॉर्डिंग सर ने मुझे मिंट स्टोन सजेस्ट किया, तो वो मिंट स्टोन जब सर ने सजेस्ट किया तो वो मुझे 5 डेज के अंदर डिलीवर हो गया था। बट उस बीच जो 5 डेज का पीरियड था वो मेरे इतना मैजिकल पीरियड था, मतलब मैं इतनी हाई वाइब्रेशंस में थी, मैं अंदर से इतनी खुश थी, ऐसे लगता था कि अब ये एंड है, अब लाइफ बहुत इजी होने वाली है, बहुत अच्छी होने वाली है। तो इतना ज़्यादा बिलीव स्ट्रांग हो गया था, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी थी, और मुझे 1 वीक के अंदर मुझे मिंट स्टोन मेरा रिसीव हो गया। बट जो मिंट स्टोन से रिलेटेड जो रिचुअल था उसमें 15 डेज बाकी थे करने में, तो वो मैंने मिंट स्टोन जैसे ही मुझे रिसीव हुआ मैंने विदाउट ओपनिंग पैकेट मैंने उसको अपनी कपबोर्ड में जाके रख दिया, और बस डेली खुश होती थी कि बस ये आ गया, मेरा मैजिकल जीनी मेरे पास आ गया। वो एक तरीके से मेरे लिए मैजिकल जीनी था, मैंने उसका नाम ही मैजिकल जीनी रखा। तो ये मेरे घर में आते ही मुझे 2-3 दिन हो गए शायद, और 2-3 दिन बाद ही मुझे एक सक्सेस मिली। वो सक्सेस मेरी पहली सक्सेस थी कि मुझे एज अ आर्ट इलस्ट्रेटर मुझे एक जॉब ऑफर हुआ, जो कि एक इंटरनेशनल ऑथर हैं, उनके थ्रू वो स्टोरीज लिखते हैं, उन्होंने मुझे इलस्ट्रेशंस बनाने का प्रोजेक्ट दिया। और आई डोंट नो व्हाई मैंने क्यों हाँ बोला, क्योंकि इलस्ट्रेशंस मैंने फर्स्ट टाइम बनाए, मुझे कोई आइडिया नहीं था इलस्ट्रेशंस प्रोजेक्ट के बारे में, तो बस मैंने हाँ कर दिया उस प्रोजेक्ट को लेके। और फिर उसके बाद मैंने कुछ सैम्पल्स उनको रेडी करके दिए और उनको इतने पसंद आए कि उन्होंने मुझे एज अ इलस्ट्रेटर हायर कर लिया है। और ये आउट ऑफ द ब्लू था, मुझे नहीं पता था ये कैसे हुआ, मैंने कहीं रिज्यूमे अपलोड नहीं किया, कहीं बायोडाटा अपलोड नहीं किया। हाँ मेरा आर्ट पेज है तो वहाँ मैं अपनी पेंटिंग्स अपलोड करती थी, तो वहीं के थ्रू मुझे मिला। तो ये मेरे लिए पहली सक्सेस स्टोरी थी जो कि मैं अभी भी बात करती हूँ तो मुझे कई बार खुद गूज़बम्प्स जैसा फील होता है, बॉडी में शिवरिंग होती है कि ये लिटरली हुआ है मेरे साथ, तो ये मेरे लिए एक मैजिक था। तो इसके बाद ही कुछ दिनों 1 हफ्ते बाद ही मुझे दूसरा मैजिक सक्सेस स्टोरी मेरे साथ हुई है, वो ये है कि मेरे को एक कंपनी की तरफ से एज अ आर्ट इंस्ट्रक्टर मुझे ऑफर मिला। ये वो कंपनी है जिन्होंने मेरा एप्लीकेशन पहले रिजेक्ट कर चुके थे, तो इनके थ्रू मैं एक बार ये रिजेक्टेड थी, तो उन्होंने उसके बाद मुझे आई थिंक 3 मंथ्स के बाद इन्होंने मुझे फिर से दोबारा अप्रोच करा कि हम आपको एज अ आर्ट इंस्ट्रक्टर हायर करना चाहते हैं। और ये
आई सेड वाओ, अभी तक मैंने रिचुअल भी फॉलो नहीं किया। एक सक्सेस स्टोरी, फिर दूसरी सक्सेस स्टोरी, फिर उसके बाद एक तीसरी सक्सेस स्टोरी आई। मतलब तीसरी सक्सेस मिली कि मुझे एक अगेन एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कॉल आया, जिन्होंने मुझे कहा कि आप अपनी पेंटिंग को एग्जिबिट कर सकती हैं हमारी गैलरी में। और आज के डेट में अगर कोई आर्टिस्ट देख रहा है तो उन्हें पता है कि आर्ट गैलरीज कितनी एक्सपेंसिव होती है, जहाँ पे आर्टिस्ट को अपना वर्क दिखाने के लिए खुद उल्टा पैसे देने पड़ता है। तो बट यहाँ पे मुझे फ्री ऑफ द कॉस्ट मुझे मौका मिला यहाँ पे अपनी पेंटिंग्स को लगाने का, जो कि अगेन एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि एकदम से ऐसे सामने से ऑफर आना, वो भी विदाउट एनी कुछ पे करें, और मुझे 6 स्पॉट्स पे मुझे स्लॉट्स भी दे दिए गए कि आप कभी भी इन जगहों पे लगा सकते हैं। तो इट वाज अगेन अ वेरी बिग सक्सेस फॉर मी। और हाँ, ये तो थी मेरे रिचुअल करने से पहले की स्टोरी। और जब मैंने 15 डेज बाद मैंने रिचुअल करना शुरू करा, तो पहली बात जब मैंने उस पैकेट को ओपन करा, मिन स्टोन को अपने हाथ में लिया और आइस क्लोज करके, जो एक रिचुअल होता है आइस बंद करके उसकी विजुलाइज करना होता है, तो वो मैंने किया। और मैं बता नहीं सकती कि मैंने अर्नेस्ट सर के साथ शेयर करा कि सर आई डोंट नो व्हाट वाज इट, वो क्या था, बट मुझे इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील हुआ, मेरे अंदर इतनी शांति थी, कुछ अलग सी ही आवाज़ थी, कुछ एकदम एम्प्टीनेस था, क्या था मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती उस चीज़ को। वो 10 मिनट्स के लिए हुई वो चीज़, बट मैं नहीं बता सकती वो क्या चीज़ थी। मैं यही सोचती हूँ क्या था वो, क्या चीज़ हुई वो जो 10 मिनट्स के लिए वो हुई। मतलब इतनी शांति कभी मुझे फील नहीं हुई। मैं मेडिटेशन बहुत टाइम से कर रही हूँ, विजुअलाइजेशन करती हूँ, बट मुझे इतना कभी फील नहीं हुआ। तो वो चीज़ था जब मैंने वो फर्स्ट रिचुअल किया था, और उसके बाद सच में ऐसे लगा कुछ है जो मेरे अंदर ट्रांसमिट हो रहा है। तो उसके बाद मैं डेली अपना रिचुअल परफॉर्म किया मैंने, और रिचुअल को मैंने बहुत ही रिलीजियसली परफॉर्म किया, जैसे सर ने मुझे बताया, एक्सप्लेन किया कब कब कैसे कैसे करना है, विदाउट एनी मैनिपुलेशन जो भी सर ने दिया बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही फॉलो कर रही हूँ अभी तक। और अब मैंने अपना जो रिचुअल का जो स्टेटमेंट है वो भी मैंने चेंज कर दिया, क्योंकि एक चीज़ ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो चुकी है तो स्टेटमेंट चेंज हो चुका है। तो अब जो है उसके बाद में मेरी एक इंटेंशन थी कि मुझे आईफोन चाहिए। आईफोन मैंने एक मजाक में बोला, कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं था कि मुझे आईफोन चाहिए, क्योंकि मैं पेंटिंग्स की वीडियोस बनाती हूँ तो ऑब्वियसली आई नीड अ हाई क्वालिटी कैमरा। तो कई बार ऐसा नहीं होता कि कैमरे से हम शूट नहीं कर पाते, तो फ़ोन काफ़ी हैंडी होता है। तो फ़ोन ऐसे ही मजाक में मैंने ये बात बोल दी थी कि मुझे आईफोन चाहिए, बल्कि फॉर मी आईफोन वॉज लाइक कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि मैं 7 to 10,000 ही इतना मेरी अर्निंग हो रही थी, तो मैं फिर आईफोन एकदम से, तो आई थॉट लेट्स डू इट, क्या है ट्राई करते हैं। तो जब ये चीज़ करी, आई डोंट नो कैसे हुआ क्या हुआ, बट सी आज आईफोन मेरे हाथ में है। तो इसकी भी लंबी स्टोरी है, पर ये भी बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। और इसके साथ साथ जो मुझे चीज़ें मिली हैं, मुझे ये बाय प्रोडक्ट था, ये शायद मेरी हाई वाइब्रेशन में रहने की वजह से। और सो यू कैन सी ये है मेरी स्मार्ट वॉच है। तो ये मैंने कुछ ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, मेरी इंटेंशन सिर्फ आईफोन थी, वो भी मजाक में थी, बट ये हो गया। और उसके बाद मैंने अपनी सेकेंड मेरी मैनिफेस्टेशन थी, इंटेंशन थी कि मुझे 1,00,000 रुपीज़ चाहिए। तो जब मैंने वो चीज़ करके मैंने लिख दिया उसे, और उसके बाद में वो एक्चुअली 1,00,000 नहीं था, वो 5,00,000 मैनिफेस्ट हुआ। और ये भी बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था, एक्चुअली फादर के थ्रू ये मुझे अमाउंट मिला। और एक दिन बस ऐसे ही बैठे थे और पापा सामने से बोले कि चलो मैं तुम्हें गिफ्ट, एज अ गिफ्ट मैं मेरी तरफ से 5,00,000 रुपीज़ दे रहा हूँ मैं। और मेरी सिस्टर को, मेरे साथ साथ मेरी सिस्टर को भी 5,00,000 रुपीज़ उसको भी मिले। तो ये दोनों के लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड था कि ये चीज़ हुई, क्योंकि ऐसा जो चीज़ नहीं होती वो फर्स्ट टाइम हो तो फिर काफ़ी ऐसा फील होता है कि मतलब ये कैसे अचानक से, ये कैसे हुआ। तो ये नहीं पता था कि यूनिवर्स इस तरीके से देगा। तो ये मेरी सक्सेस स्टोरी थी। और एक चीज़ और, मेरी सिस्टर जो है अभी फॉरेन शिफ्ट हो गई अपने हस्बैंड के साथ में, तो वो शी वॉज वेरी न्यू नई कंट्री में, और वो बिल्कुल नॉर्मल प्लेन MBA करके यहाँ से गई। शी हैज़ नो एक्सपीरियंस, कोई IELTS क्लियर नहीं किया और कोई एग्ज़ाम्स वैसे नहीं दिए, तो बस उसने सिर्फ MBA किया था। और वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस थी कि मैं यहाँ पे आ गई हूँ, मैं
कैसे मैनेज करूँगी, क्या करूँगी, आई नीड ए जॉब. और वहाँ पे सारे के सारे एक्सपीरियंस्ड और मोस्टली जो या तो कॉलेज से पास आउट या आइंस के थ्रू गए हैं. तो मैंने सिस्टर के लिए ये रिचुअल किया. एंड उसके बाद क्या मैजिक होता है, उसको 4 कंपनी से एक साथ उसको बैक टू बैक उसको ऑफर लेटर रिसीव होते हैं. वो इंटरव्यूज़ भी देती है, ऑफर लेटर भी मिलता है. और आज की डेट में वो एक बहुत ही अच्छी कंपनी के साथ वर्क कर रही है, तो जिसका ये फ़ोन है तो मतलब आप समझ जाइए. तो वो वहाँ वर्क कर रही है. और मतलब ये सारी चीज़ें ऐसी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि ये मेरा मैजिकल जीनी कर रहा है, मेरा मिन स्टोन की हेल्प से ये सारी चीज़ें हो रही जो आज तक नहीं हुई हैं वो अब हो रही हैं. तो थैंक यू बोलना चाहूँगी दिल से ऋषभ सर को. थैंक यू सो मच सर. अर्णव सर, थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए. आप दोनों के दोनों एंजल हो जिन्होंने मुझे एक रोड मैप दिया, एक डायरेक्शन दी. क्योंकि ये चीज़ें मुझे सब कुछ पता था पहले से ही. मतलब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बुक भी पढ़ती हूँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, करी हैं. बट जो लाइफ में चीज़ें एक्चुअल में जो होना शुरू हुई है, थियोरेटिकल नॉलेज बहुत थी, प्रैक्टिकली नहीं करा था. और आप वो हैं जिन्होंने उंगली पकड़ के जैसे एक बच्चे को चलाते हैं ना, बिल्कुल आपने उस तरीके से किया. तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर. मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती. आई डोंट नो मैं किस तरीके से आपको थैंक यू बोलूँ, बट थैंक यू सो मच. थैंक यू सो 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 मच. आज की डेट में हर कोई सपोर्ट कर रहा है. जैसे देखो मतलब हर कोई ये बोल रहा है, हाँ नहीं आपका प्रोफेशन बहुत अलग है, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा. जो कि कभी किसी ने पहले सपोर्ट नहीं किया, सब अगेंस्ट है. बट आज की डेट में सबके सब सपोर्ट कर रहे हैं, फैमिली भी इंकरेज कर रही है, वो भी खुश हो रहे हैं साथ के साथ जब सामने से रिजल्ट मिलता है. तो इससे ज़्यादा खुशी क्या हो सकती है. और हर दिन मेरा इतना, मैं सुबह उठते ही ऐसा लगता है कि आज क्या मैजिकल चीज़ होने वाली है, आज कहाँ से गुड न्यूज़ मिलने वाली है. तो ये वाली फील जो है, ये वाला जो स्टेट है, ये ऑल टाइम मैं रहती हूँ. मेरी जब अर्णव सर से पहली बात हुई थी, उसके बाद और आज का दिन है, हम कंटिन्यूसली हम स्माइलिंग. तो ये मिरेकल्स होते हैं जब हम एक राइट मेंटर को चूज़ करते हैं, एक राइट गुरु को चूज़ करते हैं, और जब हम चीज़ों को सही तरीके से करने लगते हैं. तो थैंक यू सो मच सर. मैं नहीं बता सकती कि मैं कितनी ग्रेटफुल हूँ कि आप मेरी लाइफ में आए हो. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सर ऋषभ सर. थैंक यू सो मच सर. एंड अर्णव सर, आपको भी बहुत बहुत थैंक यू. बस अब तो हाथ पकड़ लिया है तो अब तो छोड़ना नहीं है. आप मेरे मेंटर हैं, गुरु हैं. और मैं प्रे करूँगी कि ऐसे ही सबकी लाइफ में सक्सेस आए. और अगर मैं एक को भी इंस्पायर कर पाई तो इससे अच्छा शायद कुछ होगा ही नहीं. तो और ये भी मेरी एक मैनिफेस्टेशन थी. जब भी सक्सेस स्टोरी अपलोड होती थी, मैं आँख बंद करके एक मिनट के लिए विजुलाइज ज़रूर करती थी कि मेरी सक्सेस स्टोरी भी आ रही है. और सी, दिस इज़ वन ऑफ माई सक्सेस स्टोरी. तो ये भी कहीं ना कहीं मेरी मैनिफेस्टेशन का पार्ट है. तो थैंक यू सो मच सर. अभी और भी सक्सेस स्टोरी अलाइन है जो बहुत जल्दी आएंगी आपके पास. और थैंक यू सो मच. थैंक यू. प्रेरणा जी, मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ कि आपने इतने एफर्ट्स डाल के इतनी खूबसूरत सक्सेस स्टोरी मेरे साथ, हमारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर की. मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ये सारा का सारा श्रेय आपको जाता है, आपके विश्वास को जाता है, आपकी पॉजिटिविटी को जाता है. आपके वीडियो में, आपकी बातों में वो पॉजिटिविटी झलकती है कि आपको तो सक्सेस मिलनी ही थी. आपकी बहुत सारी सक्सेस आगे मैनिफेस्ट हो, ऐसी मैं इच्छा करता हूँ, ऐसी प्रार्थना करता हूँ. आप सक्सेस स्टोरी शेयर करें, कभी आपके साथ मिलके, जैसे आपने बताया आर्ट के बारे में जो आप सिखाते हैं, कभी फ्यूचर में आपसे मुलाकात कर पाएँ और ब्रीफली हम चर्चा कर पाएँ कि कैसे ज़िंदगी खूबसूरत बनती है. मेरे प्यारे दोस्तों, जब ज़िंदगी में आप कुछ बड़ा मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो हमेशा छोटे गोल से शुरुआत करें. क्योंकि देखिए, सक्सेस स्टोरी के हिसाब से भी जैसे आपने देखा कि उन्होंने कैसे छोटी छोटी चीज़ें तो मैनिफेस्ट की, लेकिन साथ में बड़ी रकम यानी 1 लाख से 5 लाख का सफ़र भी तय किया. ज़िंदगी में बड़े गोल भी हासिल होते हैं, छोटे गोल से आपका विश्वास, आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है. तो जो बड़े गोल्स आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो एफर्टलेसली आसानी से मैनिफेस्ट हो जाते हैं लाइफ में. मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वो प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो रही है जो प्रॉब्लम के बारे में प्रयास कर करके आप थक चुके हो, ये रहे हेल्पलाइन का नंबर. आज ही कॉन्टैक्ट करें, अर्णव सर को करें, आरव सर को करें, अक्षय सर को करें, अभिषेक सर तो है ही, बड़े फेमस हैं, कीर्ति मैम को करें. ज़िंदगी बेहतर नहीं, ज़िंदगी खूबसूरत बनाएं. और सक्सेस स्टोरी भेजिए, क्योंकि आपकी सक्सेस स्टोरी का इंतज़ार मैं तहे दिल से कर रहा हूँ. जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री कृष्ण.